चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़े थे साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू सॉरी टेन नहीं पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले पढ़ लिए थे एंड हॉट फॉर्मूले पढ़े थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था अपने साइन टू ए, साइन टू ए इक्वल टू टू ऑफ साइन ए इंटू कितना कॉस ए, देन कॉस टू ए, कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू ए इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए एंड वन माइनस कॉस टू ए इक्वल टू टू साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूले पढ़े थे। और इनको कल हाफ एंगल पर भी मैंने कन्वर्ट करना आपको सिखाया था कि हाफ एंगल में इनको अच्छे से कन्वर्ट कर सके, है ना। अगर हम यहाँ पे 1 प्लस cos a लेते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा a by 2 जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड किया
डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया किससे, cos a into cos b होल, पूरे में ब्रैकेट लगा दिया मैंने इसीलिए, ओके। नाउ ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि दोनों में डिवाइड है, सो यू कैन राइट इट sin a into cos b अपॉन cos a into cos b, से यस, माइनस cos a into sin b अपॉन cos a into cos b डिवाइडेड बाय, यस इसके नीचे भी जाएगा cos a into cos b डिवाइडेड बाय cos a into cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b, ओके यस और नो, ओके। नाउ cos b से cos b कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल, cos a cos b पूरा कैंसिल, और यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा यहां पे। नाउ sin a upon cos a, व्हाट इज इट, tan a, sin a upon cos a इक्वल टू tan a, sin b upon cos b, यस व्हाट, या बाय मिस्टेक सॉरी, यस करेक्ट, वेरी गुड, ओके प्लस होगा, प्लस sin b upon cos b, this is equal to tan b upon 1 आएगा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 minus sin a upon cos a, you can write it tan a and sin b upon cos b equal to tan b, okay? तो इस तरीके से a plus b हो गया, a minus b में कुछ नहीं है, just opposite sign हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ऊपर और प्लस हो जाएगा नीचे, कर लेंगे डिवाइड। Sin 2a equal to 2 tan a
साइन का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ टेन, हाफ एंगल हो गया, यहां पे डबल एंगल था यहां पे हाफ हो गया, साइन टू इक्वल टू टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। पढ़ा ये फॉर्मूला, साइन टू इक्वल टू टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट सिमिलरली कॉस 2a, अच्छा साइन 2a दिया है, साइन 2a देखा हमने, अगर साइन a बोल दे, साइन a तो क्या हो जाएगा 2 tan a by 2 upon 1 plus tan square a by 2 half हो जाएगा। ओके नाउ cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a इक्वल टू, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, पढ़ा है ना, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हो, cos स्क्वायर थीटा यानी कि a प्लस क्या साइन स्क्वायर, नहीं कर सकते क्या, वन को तो रिप्लेस कर सकते हैं ना, कॉस 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे कर दिया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, पूरे में कॉस स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ऊपर भी कॉस स्क्वायर और नीचे भी कॉस स्क्वायर डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, that is equal to 1, okay, 1 minus sin square a upon cos square a, tan square a, 1 minus tan square a upon 1 minus tan square a, cos square a upon cos square a equal to 1 plus tan square a, okay, so this is the formula of cos 2a in the terms of 10, half angle ho gaya isme bhi, cos 2a equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। डन, अगर आप कॉस ए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बोलिए, आप ही बोलेंगे, कॉस ए इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, यस ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए टेन टू ए, टेन टू ए तो वैसे हम निकाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, tan 2a में क्या लिखा है मैं लिख देता हूं, tan 2a मैंने निकाला है इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, आप देख लीजिए कॉपी में, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, आया था कि नहीं आया था, आया था ना, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये था। अब tan 2a को निकालना है तो tan 2a कैसे निकाल सकते हो, अभी तो एक बताया था ऐसे वाला tan of a plus a करके बताया था ना, अब वैसा नहीं कर रहा हूं, अब दूसरे तरीके से कर रहा हूं, देखो tan 2a can you write it sin 2a upon cos 2a, हां यार आप इसको sin 2a upon cos 2a भी तो लिख सकते हो, sin 2a की वैल्यू आपने निकाली है, ये निकाली है sin 2, ये sin ही है, sin 2a कितना होगा 2 tan a upon 1 plus tan square a, cos 2a की वैल्यू ये लिखी हुई है 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ गया 2 tan a upon 1 minus tan square a, what is this, this is tan 2a, और यही तो आया था, आया था कि नहीं आया था, आया था ना 2 tan a upon 1 minus tan square। क्लियर है,
साइन ए इनटू कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी या साइन बी इनटू कॉस ए, कॉस ए इनटू साइन बी। बिल्कुल जबरदस्त करना है इसमें, साइन ए साइन बी का ऊपर नीचे डिवाइड करना आपको, साइन ए साइन बी का ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो ये हम डिवाइडेड हियर बाय साइन ए इनटू साइन बी, यहां भी डिवाइड किया किसमें, साइन ए इनटू साइन बी, ये डिवाइड कर दिया आपने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, वन लिख दो बोलो, साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी वन हो गया, इधर साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए सॉरी साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, कैंसिल करो, कॉस अपॉन साइन कॉट कॉस अपॉन साइन कॉट कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी कैंसिल हो गया, कॉट बी प्लस कॉट ए, ओके ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, कॉट ऑफ ए प्लस बी का, इसका जस्ट उल्टा कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला देखिए, कॉट ऑफ ए माइनस बी, अब जाहिर बात है कि यहां अगर माइनस लोगे तो यहां पे क्या आएगा प्लस, इधर देखो यहां पे क्या आएगा प्लस, तो क्या बनेगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, है ना, यहां बचेगा कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, अगर आपको कॉट टू ए का फॉर्मूला बना रहे तो इससे बना सकते हैं, कॉट टू ए इक्वल टू कॉट ऑफ ए प्लस ए, कॉट ऑफ टू ए इक्वल टू कॉट ऑफ ए प्लस ए, ये कहीं यूज नहीं होता है आपको कोई भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, अभी तक नहीं आएगा, कॉट ए इंटू कॉट ए कितना हो गया कॉट स्क्वायर ए माइनस वन कॉट ए प्लस कॉट ए टू कॉट ए, ये हो गया फॉर्मूला कॉट ऑफ टू ए का, नोट करिए। तो साइन के एडिशन फॉर्मूले, कॉस के एडिशन फॉर्मूले, टेन के एडिशन फॉर्मूले, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला, टेन का डबल एंगल फॉर्मूला हो चुका है। हो गया सारे, अब लिखिए ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल मतलब थ्री ए, ओके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑल एंगल्स थ्री ए। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, स्टार्ट करूंगा मैं टेन के साथ, थोड़ा इजी लगेगा आपको इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं, टेन थ्री ए, what you can write tan of a plus a plus a, a plus a plus a, but ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, a plus a को क्या लिख दो 2a, tan of 2a plus a, ये सॉल्व करो tan 2a plus a, अब फॉर्मूला लगा दो वही वाला tan a plus b का फॉर्मूला, tan 2a plus tan a upon 1 minus tan 2a इंटू टेन ए होगा ना, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, फॉर्मूला लग गया टेन टू ए प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन टू ए इंटू टेन ए, टेन टू ए का फॉर्मूला आपको याद होगा आप तो, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, थोड़ी देर पहले पढ़ा आया ना, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस कितना हो गया टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस फिर से यहां पे 2 tan a अपॉन 1 माइनस
10 square A into 10 of A. Clear? चलिए ये हो गया. आगे देखेंगे. 2 tan A ठीक है. 2 tan A plus 10 A. ये LCM होके ऊपर जाएगा. A लिखना भूल गया. 10 A ये ऊपर होके जाएगा. 1 minus 10 square A divided by पूरे का 1 minus 10 square A divided by ये 1 minus 10 square A यहाँ आएगा. 1 minus 10 square A ये इधर आ गया. minus 2 10 A into yes 10 A into A 2 10 square A divided by 1 minus 10 square A. Say 10 square A 1 minus 10 square A cancel हो गया. देखिए 2 10 A 10 into 1 plus 10 A minus 10 square A into 10 A 10 cube A upon 1 minus 10 square A minus 10 square A 1 minus 3 10 square A. फॉर्मूला तैयार है. 10 3 A equal to 3 10 A minus 10 cube A upon 1 minus 3 10 square A. This is resulting formula. 10 3 A equal to 3 10 A minus 10 cube A upon 1 minus 3 10 square A. Agree? यही है फॉर्मूला. मैच करिए बुक से. 10 3 a equal to 3 10 a minus 10 cube a upon 1 minus 3 10 square a. थर्ड एंगल फॉर्मूला. क्लियर ना? ऐसे करेंगे तो ऐसे ही sin 3 a का बनाएंगे और ऐसे ही cos 3 a का बनाएंगे. ठीक है ना? sin 3 a is also cos sin 2 a plus a and cos 3 a equal to cos 2 a plus a. अच्छा ये 3 है. जब आप तीन एंगल दे रहे हो तो सिंगल एंगल में टूट रहा है. सिंगल एंगल को टूटेगा तो किसमें टूटेगा? हाँ 1/3 में e by 3. तो यदि इसी फॉर्मूले को आप लिखोगे 10 a 10 a equal to क्या लिखेंगे? 3 10 a by 3 minus 10 cube a by 3 upon 1 minus 3 10 square a by 3. क्योंकि ट्रिपल एंगल सिंगल में टूटता है तो सिंगल 1/3 में टूटेगा. डन? अंडरस्टूड? क्लियर हो गया. अब इसके बाद देखिए ट्रिपल एंगल फॉर्मूला फॉर साइन एंड कॉस. तो साइन का फॉर्मूला साइन 3a वैसे ही बनाना है. बना लीजिएगा एज ए प्रैक्टिस कर लेना. इसको कर लोगे ना? How you will convert it? Sin of 2a plus a. तो solve करने पर sin 3a की value ये आएगी जो लिख रहा हूँ. Sin 3a equal to 3 sin a minus 4 cos cube a. 3 sin theta minus 4 cos cube theta. Okay, check it book. Yes. Sin 3 theta equal to sin 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 cos cube theta. Sin 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube a. Sorry. 4 sin cube theta. यही है? 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ये है value sin 3 theta की. Okay. Next. cos 3 theta. थोड़ा सा मिलता जुलता फॉर्मूला है. ये वाला पार्ट cos में पहले आ जाता है और ये वाला पार्ट बाद में चला जाता है. बस इतना है. तो चेक करिए 4 cos cube theta minus 3 cos theta. दिस लाइन. यस और नो? 4 cos cube a minus 3 cos a. यही है. सो इट इज cos 3 theta. तो सिंगल एंगल भी बना सकते हैं इससे. cos theta equal to 4 cos cube theta by 3 minus 3 cos theta by 3. Because triple angle single में टूट रहा तो single 1/3 में टूटेगा. Done.
इसको रफ कर रहा हूं, अब कन्वर्जन फॉर्मूले पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एडिशन फॉर्म में। लिखिए कन्वर्जन फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन। नेक्स्ट इज कन्वर्जन फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन। कन्वर्जन फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को एडिटिव फॉर्म में बदलेंगे, मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन। स्टार्ट यहां से करते हैं, आपके पास पता है आपको एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस एडिशन फॉर्मूला एंड साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यस, ऐड कर दीजिए, ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम टू सेम है। इट इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी, इसको उल्टा पढ़िए तब अच्छा लगेगा, ये टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, डबल नहीं हो, उसकी टेंशन मत लेना, टू का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, डबल अपने आप बन जाएगा। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, आइडेंटिटी बनेगी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, क्लियर? आपको दिया गया फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 इंटू कॉस 15, ये वैल्यू फाइंड करने को बोली गई आपको। अब आपको साइन 15 की वैल्यू पता नहीं होती है, कॉस 15 की वैल्यू पता नहीं होती है, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, दोनों मल्टीप्लाई में है, क्या करो 2 का डिवाइड करो और 2 का मल्टीप्लाई। यस और नो? 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लुक हियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन राइट 1 अपॉन 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2 sin 15 cos 15, ये हो गया 1 अपॉन 2 फॉर्मूला। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b, ए की जगह कितना बैठा है 15, 15 प्लस 15 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 15 माइनस 15, से यस और नो? ए की जगह भी 15 है, बी की जगह भी 15 है, हाँ है ना? अलग अलग लेना है, अलग अलग ले सकते हो आप, अलग अलग लेना है आपको, आप अलग अलग ले सकते हो, क्लियर हुआ है ना? चलिए अलग अलग ले लेते हैं, 2 साइन 15 साइन 15 कॉस 45 ले लीजिए, चलिए ले लिया, तो 2 sin a cos b equal to sin of a plus b and sin of a minus b, say yes, 1 by 2, sin 15 और 45 कितना 60, sin 60 plus sin what minus 30, sin minus 30, यस और नो? साइन माइनस थीटा कल पड़ा, माइनस साइन थीटा, माइनस बारह जाता साइन की, इसमें ऑड फंक्शन 1 बाय 2 साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाय 2, ये आ गया माइनस बाहर, बचा के लिए साइन 30 1 बाय 2 बाहर, एलसीएम आएगा 2 रूट 3 माइनस 1, 2 टू जा 4, करेक्ट आंसर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 is the answer. 2 का multiply, 2 का divide खुद से किया, वो खुद से करना पड़ेगा. Okay, और नहीं करना है तो 2 को नीचे लाके यहाँ upon में 2 कर दो. अगर ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लो, but मैं सलाह दूंगा ऐसे याद करो 2 वाला, ये मत करो, ठीक है ना?
फॉर्म में कर रहा, सम फॉर्म में, है ना। इंटीग्रेशन में बहुत काम में आता है, अगले साल आएगा इंटीग्रेशन। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करना नेक्स्ट है। अगली बार ये तो हो गया साइन साइन के, अब कॉस के देखिए। नेक्स्ट इज ऑफ कोसाइन, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। नेक्स्ट कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, टू थिंग्स आर देयर, यू कैन ऐड फर्स्ट टाइम, यू कैन सब्ट्रैक्ट सेकंड टाइम। फर्स्ट ऐड करो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, ऐड किया ये सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, टू कॉस ए कॉस बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो अगर आपको कॉस ए और कॉस बी का प्रोडक्ट है तो आप कॉस के प्लस में और कॉस के माइनस में उसको तोड़ सकते हो। यस और नो? नेक्स्ट अगेन राइट, स्टार्ट करते हैं इन्हीं दोनों से। पहले ये लिख लो, व्हाट इज बार कॉस ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सब्ट्रैक्ट देम, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज एडिशन, ये कैंसिल, इट विल टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। रिवर्स करके लिखिए, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इंपॉर्टेंट, तो साइन का जब प्रोडक्ट रहेगा तो पहले माइनस आएगा, फिर बीच में माइनस आएगा, देन ए प्लस बी आएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, साइन ए प्लस बी किया
और साइन ए माइनस बी किया एड, तो ये मेरे पास आ गया कितना, टू साइन ए साइन बी, ठीक है ना। यस, टू साइन ए कॉस बी, करेक्ट, गुड, टू साइन ए कॉस बी। इसमें मैंने माइनस नहीं किया था क्योंकि कोई मतलब ही नहीं करता है, वही आएगा। अगर आप माइनस करके देख लो, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, लुक व्हाट, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक करो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस करो, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, क्लियर ना, ये कैंसिल, क्या आएगा, टू कॉस ए साइन बी। तो कॉस का एंगल इसमें भी है, साइन का एंगल इसमें भी है, तो लिख लेते हैं वैसे, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट, कॉस ऑफ ए प्लस बी और प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी किया तो क्या आया, आया टू कॉस ए कॉस बी आया, आया ना, क्लियर है ना। और भी क्या था, एक था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, क्या है ये, टू साइन ए साइन बी, यही आया था, आया ना, ठीक है। अब देखिए इनको कैसे कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी एक कंपाउंड एंगल है, सब में ए प्लस बी है कहीं ना कहीं, ये देखो, और a माइनस बी भी एक कंपाउंड एंगल है, मतलब कुछ ना कुछ जोड़ के या कुछ ना कुछ माइनस करके, तो a प्लस बी को एक नया नाम दे दो, यू कंसीडर इट c, और a माइनस बी को एक नया नाम दे दो, यू कैन कंसीडर इट d, यस और नो, कंसीडर इट c एंड d, नाउ ऐड देम फर्स्ट एंड सबट्रैक्ट देम, फर्स्ट सबट्रैक्ट करना है दूसरी बार में, a प्लस बी इक्वल टू c एंड a माइनस बी इक्वल टू d, सेकंड पार्ट, पहला ऐड करना है फिर सबट्रैक्ट करना है, ये है माइनस ये है प्लस, सबट्रैक्ट करने में ये क्या हो जाएगा, माइनस, चलिए प्लस करने में a प्लस a कितना होगा, 2a, b से b कैंसिल इक्वल टू c प्लस d, तो व्हाट इज a, a इक्वल टू c प्लस d बाय 2, ये आएगा a इक्वल टू c प्लस d बाय 2। b निकालना है, वैल्यू रख दीजिए a की किसी में, बड़ोतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, अगेन सबट्रैक्ट कर दो, a प्लस बी इक्वल टू सी है, a माइनस बी इक्वल टू डी है, अब सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2b इक्वल टू सी माइनस डी, तो b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2, ये हो गया, ओके, क्लियर हुआ ना, यही मेरे को यहीं पे करना था, अलग से मैंने कर दिया, यही कर दिया, ओके, ये नजर यहां पे लिखना था एक्चुअली मेरे को, यहां पे ये मैंने यहां कर दिया, ठीक है ना, सबट्रैक्शन ये करना था, लिख देता हूं, चलिए कंफ्यूज ना हो आप, एक बार एडिशन किया तो ए आ गया, और एक बार सबट्रैक्शन करो, ए कैंसिल, ये आएगा 2b इक्वल टू c माइनस d, तो b इक्वल टू c माइनस d अपॉन 2, दिस इज b, दिस इज b। नाउ मेक फॉर्मूले वन बाय वन, फर्स्ट फॉर्मूला, यस, लुक हियर, फ्रॉम इधर से चलेंगे, देखो 2 साइन ए प्लस बी को, यस, देखिए इधर
साइन ए प्लस बी को क्या लिया है, सी लिया ना, ए प्लस बी को सी, साइन सी प्लस साइन डी, पहला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, इंडिविजुअल एंगल का सम। अब पहले था मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट, पहले था प्रोडक्ट को सम में किया, अब सम को प्रोडक्ट में करेंगे। देखो सम फॉर्म है, प्रोडक्ट में जाएगा, टू साइन सी प्लस साइन डी, पहला एंगल सी है दूसरा एंगल डी है, इक्वल टू टू साइन, व्हाट इज ए, सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, फर्स्ट फॉर्मूला चेक इन योर बुक, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, इज इट करेक्ट, यस। सेकेंड फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू, पहले साइन का पार्ट लिख लो, साइन बी है टू साइन, व्हाट इज बी, सी माइनस डी बाई टू, इसलिए लिखवाया क्योंकि जब प्लस करते हो तो साइन प्लस में जाता है और जब माइनस करते हो तो जिसका करते हो वो साइन माइनस में जाएगा। कॉस, कॉस में क्या आया है, कॉस में आया है ए, व्हाट इज ए, सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू। नेक्स्ट थर्ड, यहां से कॉस ऑफ सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, टू कॉस और टू कॉस, कॉस की जगह क्या है ए, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, सो सिंपल, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, बट ए माइनस बी तो डी है, ए माइनस बी क्या है डी, तो कॉस डी माइनस कॉस सी, कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू टू साइन ए, ए मतलब सी प्लस डी बाई टू और साइन बी मतलब साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इसको बुक में कैसे लिखा हुआ है, यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाता है, इसमें बुक में माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी, ये आ गया कॉस सी माइनस कॉस डी, ओके इक्वल टू। और अब क्या करिए, ये जो माइनस है अगले स्टेप में इसको यहां ट्रांसफर कर दीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो माइनस साइन वहां चला गया, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, फिनिश ऑल फॉर्मूले, एनी प्रॉब्लम। सो इसको थोड़ा, तो याद कौन से रखे आपको, वन टू थ्री फोर, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी, ये मिस्टेक हो गई, यहां पे प्लस रखना था, कॉस सी प्लस कॉस डी, यहां पे प्लस था ना, डन। So all trigonometric formulas are done. Few special formulas are there. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब ये नहीं कि ये और ये ऐसे हो गए, ठीक है ना, ये बहुत प्रोसेस करके आता है, ये दोनों की वैल्यू रख के आता है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, ये तो साइन का स्क्वायर हो रहा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, कंफर्म थोड़ा नहीं है, लिख लो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है cos square a minus sin square b, okay? तो sin square a इसका उल्टा भी, sin square a minus sin square b equal to sin a plus b sin a minus b, and cos square a minus sin square b, not cos square b, not cos square b, this is sin square b equal to cos a plus b into cos a minus b, okay? Next, write down trigonometric equation, next topic is trigonometric equation. आपको पता है कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन ये बार बार रिपीट होते हैं, इनकी वैल्यू बार बार रिपीट होती है, तो दो तरीके के सोल्यूशन हुआ करते हैं, एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन। पहले मुझे प्रिंसिपल बोलना चाहिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन, व्हाट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन, जो एकदम पास में हो ओरिजिन के, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन, थीटा इज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई, जो एकदम पास में हो, मतलब या तो यहां 0 टू पाई, देखो थीटा इज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई, मतलब बीच में 0 बैठा हुआ है, बैठा है ना, ये क्या है माइनस 180, ये क्या है प्लस 180, तो या तो यहां से लेके यहां तक, या तो यहां से लेके यहां तक, जब ऐसे चल रहे हो तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और जब ऐसे चलोगे तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज, समझ में आया ना, ये इधर से पहुंचोगे तो ये क्या कहलाएगा माइनस 180, और इधर से पहुंचोगे तो ये क्या कहलाएगा प्लस 180, तो थीटा की वैल्यू जो ओरिजिन के पास में होती है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। देखो कैसे, मैंने कहा आपसे साइन एक्स इक्वल टू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कहां पर होगी, 10th क्लास के नॉलेज के हिसाब से आप बोलोगे साइन एक्स इक्वल टू साइन 30, so x equal to 30 degree, yes this is principal value and principal value is denoted by alpha, so alpha is equal to 30 degree in this case, but kya iska matlab sin ki value 1/2 aur kahin nahi hogi, bahut ho sakti hai, bahut jagah ho sakti hai, dekho kaise ye hota hai sin ka graph, ye hota hai maximum level 1, sin ki starting, sin ki graph ki value dekho, ye le lo minus 1, now sin starting with 0 1 then ye clear, this is the graph of sin, ye 1 hai yahan pe hoga 1/2, this is 1/2, value 1/2 sin ki kahan pe, output equal to 1/2, तो x इनपुट कहां कहां के इनपुट होंगे, इनपुट x एक्सिस में होता है, तो पहला ये इनपुट देखिए 30 डिग्री, दिस इज कॉल्ड पाई बाय 6, पहला यहां पे sin 30 का वैल्यू 1/2, फिर देखो यहां पर वैल्यू 1/2 होगी, ये सेम लेवल है y का, ये लेवल कितना होगा, दिस इज व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज 150 डिग्री, ये क्योंकि ये होता 180, तो यहां से 30 आगे, तो यहां से 30 पीछे, अब यकीन नहीं है तो निकाल के देख लो, साइन 150, ये तो मैंने निकालना सिखा रखा है, साइन 150 इक्वल टू साइन 180 माइनस 30, 180 मतलब चेंज की, नो चेंज, साइन 30 आया, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव, आंसर इक्वल टू 1/2, तो एक वैल्यू आ गई 30 डिग्री दैट इज पाई बाई 6, एक वैल्यू आ गई 5/6, फिर आगे चलोगे देखो ये वैल्यू भी आएगी साइन की, यहां तक होता है 360, ये क्या होगा 390 होगी वैल्यू, और आगे चलिए बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी जिन पर वैल्यूज होंगी 1/2, बहुत वैल्यूज, बट आपको बतानी है प्रिंसिपल वैल्यू, आपको क्या बतानी है प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, आप एक है ना ये सबसे छोटी वैल्यू बता सकते हैं हम, क्लियर है ना, सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। अब देखिए यदि मैंने आपसे कहा
साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, साइन की वैल्यू माइनस वन बाई टू, ग्राफ की तरफ देखो इधर, साइन की वैल्यू माइनस वन बाई टू, स्टॉप राइटिंग, माइनस वन बाई टू यहां पर होगा, अब माइनस वन बाई टू के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए मार्जिन ड्रॉ करें आपने, माइनस वन बाई टू कहां पर हो रहा है, पहला तो भैया बहुत दूर हो रहा है, ये यहां पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव होती है, फोर्थ में निगेटिव होती है, तो यहां से यहां तक पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट कुछ नहीं हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव मिली, और फिर उसके बाद कहां पर मिलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू देखिए, समझ में आया ना, तो एक तो तरीका आप आगे से जा सकते हैं यहां तक, तो ये वैल्यू कितने डिग्री होगी, 80 और 30 210 डिग्री है ना, एक तरीका है पीछे से आ जाओ डायरेक्टली, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, तो ये पीछे आ गए तो आगे प्लस 30 है, तो ये कितना होगा माइनस 30, माइनस 5/6, समझ में आया कि नहीं आया, तो साइन की वैल्यू ऊपर प्लस 1/2, आगे प्लस 30 और पीछे कितना माइनस 30, तो इन दिस केस यू कैन राइट प्रिंसिपल वैल्यू अल्फा इक्वल टू हाउ मच, माइनस 30, जहां से पास पड़े, इसलिए मैं कह रहा था अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6, जनरल सॉल्यूशन आपको याद करने पड़ेंगे, जनरल मतलब ऐसा फॉर्मूला जो सारे सॉल्यूशन एक बार में दे दे, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, आप हर क्वेश्चन का तो ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हो ना, तो उसके लिए हम जनरल सॉल्यूशन यूज करते हैं, लुक जनरल सॉल्यूशन पहला है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, फर्स्ट क्वेश्चन साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन,